कहता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है, वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। आप जो जंग है, जो बंदूक और गोलियों की जंग, ये सोल्यूशन नहीं है। बैटल ग्राउंड में जंग नहीं जीती जा सकती, और जब बच्चे मरते हैं तो उसका दर्द सबको होता है। पुतिन को यह जवाब देना पड़ा कि आपके मशवरे का शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारी बातें हो रही है, जैसे कि डिस्कशन ये भी हो रहा है कि भाई पुतिन अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट करते हैं, तो या फिर कहे कि सिर्फ एक ही इंसान है जिस पर ट्रस्ट करते हैं, वो है मोदी। अब देखिए, पूरा का पूरा दुनिया जो है दो धड़ों में बट चुकी है। ज्यादातर जो धड़ा है वो वेस्ट के साइड है, जिसमें यूरोप और अमेरिका और ये सारे कंट्रीज है जो पुतिन को रोज गालियां देते हैं, और इंडिया जैसे कंट्री कुछ चुनिंदा ही है कि भाई इंडिया जैसे कंट्री जो कि रशिया और अमेरिका दोनों में कुछ को किसी को कुछ नहीं कहते भी। ठीक है, आपको लड़ाई करनी है, करो भाई, हम तो अपने इंटरेस्ट देखेंगे। लेकिन एक होता है बेसिक डिसेंसी कि भाई चीज मान लीजिए कि अगर इंडिया का बेनिफिट सिर्फ रशिया से है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अमेरिका को गालियां देंगे, या फिर अमेरिका से काम है तो रशिया को गालियां देंगे, ऐसा नहीं करते हम। अभी ठीक है, अगर किसी से काम नहीं है, जैसे कि टर्की से उतना हमारा काम नहीं है, फिर भी हम टर्की को आए दिन गालियां नहीं देते। हाँ, वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को कई बार कुछ भी कह देता है, लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करता। अब यहां पर बात हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया जाकर पुतिन को ये कह दिया कि भाई जो आपने बम फेंका है, या फिर कहे कि मिसाइल फेंकी है, जो एक हॉस्पिटल थे जो सिर्फ बच्चों के लिए थी, उस पर लगी है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड का लीडर पुतिन के सामने बैठकर आंख से आंख मिलाकर ऐसी बात कर पाए, लेकिन वो मोदी है जिसकी पुतिन सुनता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे भी आपको पता, ताल्लुकात एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ वन मैन हु कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम। तरसा उधर अमरीका में नेटो की समिट हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों चीजों को? अमेरिका भी इकट्ठा हो गया है और ज़ेलेंस्की भी बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को नहीं जाना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं ये सारी चीजों को? मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पे जो शकूक व शुबहात थे उनके, और उसके बाद आज मैं जिस दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी है, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में, और जो वेलकम किया गया, और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें परेशान है। स्टेट डिपार्टमेंट तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पर पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहां पर अगर ये कहा जाए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है, वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने वहां पे बैठ कर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो कल ये बात कर दी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कि आप जो जंग है, जो बंदूक और गोलियों की जंग, ये सोल्यूशन नहीं है। बैटल ग्राउंड में जंग नहीं जीती जा सकती, और जब बच्चे मरते हैं तो उसका दर्द सबको होता है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के किसी भी किस्म के अग्रेशन, या जो इस वक्त वॉर चल रही है, या मोदी साहब के वहां पर वो गए और रशिया की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया, उस सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। मोदी साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली ये एक
ऐसा हमें नजर आया उनका जेस्टर और उनका जो वो बोले, उन्होंने जंग की भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसके मुताबिक सोचा जा रहा था कि मोदी साहब बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से बात कर दी, जिसके ऊपर पुतिन को यह जवाब देना पड़ा कि आपके मशवरे का शुक्रिया, थैंक यू। रशिया वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल वॉर, बट रशिया किसी पर भरोसा नहीं करता। मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न गुडविल इन वेस्ट एज वेल एज इन ईस्ट। तो मेरे ख्याल से, हालांकि बातें तो काफी हुई हैं, आर्कटिक रीजन पे कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, डेवलपमेंट रूट का भी हुआ है ना सर, सी रूट, वही आर्कटिक रीजन पे जो है, चूंकि रशिया जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, तो आपका आर्कटिक रीजन पे वो है उसके गवर्नेंस के लिए ट्रीटी, और ये वो काफी मिनरल है, काफी कुछ है वहां से जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इम्पोर्टेंट है टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे आपका, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब से। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब की मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए, आज मोदी साहब के कहने पे जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी साहब, पुतिन साहब चाहते हैं फॉर फ्रॉम मोदी साहब। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर। तो वो देखिए, मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडे हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है। तो आई गेस कि एक 1-to-1 मैसेज पास हो जाएगा, फिर वही 1-to-1 मैसेज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब को पास हो जाएगा, एंड देन मोदी साहब विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंडिया की गुड ऑफिसेज में जो वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन है, इसको रिजोल्यूशन किया जाएगा। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि ये जो दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखाते भी हूँ, जिसमें उनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से पहनाया गया। मोदी साहब तो नजर आते ही रहे हर जगह पर, लेकिन उनके साथ मीटिंग के दौरान और खास तौर पर जो बायलैटरल टॉक्स और ये वाली जो सेरेमनी थी, जिसमें आप प्रेसिडेंट पुतिन को, नरेंद्र मोदी साहब को ये अवार्ड पहनाते हुए देख रहे हैं, इस जगह पर भी हमें डॉक्टर जयशंकर और अजीत दोवल बैठे हुए नजर आए। और ये देखिए आप कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है, जनाब हम जो हैं वो पैलेस्टीन के सबसे बड़े वो अलंबरदार हैं, जुलूस निकाल के और सब करके, लेकिन पैलेस्टीन की तरफ से जो अवार्ड दिया जाता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दिया जाता है, क्योंकि उनका स्टैंड वो है, वो जो वही एक बात है ना कि देखें उनकी जो फॉरन पॉलिसी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, फिर ये तो जनाब, अब मैं आपको बताना शुरू करूंगी, क्योंकि ये तो ईयर बाय ईयर इतने अवार्ड्स हैं, यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, और वो ये है कि पेंटागन की तरफ से एक और स्टैंड आया, और उसमें अमेरिका ने, पेंटागन ने इंडिया को सपोर्ट किया है, क्योंकि उनसे सवाल ये किया गया, जिसमें कि ये इस मरतबा मैथ्यू मिलर की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि ये मेजर जनरल पैट राइडर पेंटागन स्पोक्स पर्सन, जो कि बात कर रहे थे प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान, उनसे सवाल किया गया। तो मेजर जनरल पैट राइडर ने ये कहा, सवाल ये था कि जनाब मोदी साहब जो हैं वो रशिया गए हुए हैं और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ये रशिया के इस विजिट पर। तो उनका कहना ये था कि देखिए ये हम जानते हैं, उन्होंने बात स्टार्ट ही मेजर जनरल पैट ने इस बात से की कि इंडिया के तो रशिया से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इंडिया और रशिया डेकेड से जो है वो एक दूसरे के अलाए हैं, पार्टनर हैं, अलाए तो नहीं पार्टनर है, यानी बड़े करीबी जो हैं वो उनकी दोस्ती है।
ये उन्होंने भी बात रिकग्नाइज की और कहा कि वो तो काफी अरसे से हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, तो ये जो विजिट है आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते।